आज हम ऐसी चीजें पढ़ने वाले हैं जो फिजिक्स में भी यूज होती हैं और केमिस्ट्री में भी यूज होती हैं। तो यानी कि आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज पढ़ेंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं सबसे पहले सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स से डायरेक्ट क्वेश्चंस तो बहुत कम आते हैं, लेकिन जनरली इनडायरेक्ट क्वेश्चंस बहुत आते हैं। पूरा का पूरा क्वेश्चन आपसे सॉल्व करवा लेंगे एंड देन दे लास्ट कि आप अपना आंसर बताइए टू टू सिग्निफिकेंट फिगर्स और थ्री सिग्निफिकेंट फिगर्स, राइट? तो इसलिए हमें सिग्निफिकेंट फिगर्स की नॉलेज होना ज़रूरी है। सिग्निफिकेंट फिगर्स बेसिकली कुछ मैकेनिकल रूल्स हैं जो अगर हमें एक बार क्लियर हो गए तो हमें आगे कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो वन बाय वन हम हर एक रूल को डिस्कस करेंगे। तो अगर हम सिग्निफिकेंट फिगर्स की बात करें तो जो फर्स्ट रूल होता है वो क्या कहता है कि जब भी आपके पास में कोई नंबर है तो उसके अंदर सारे के सारे जो नॉन जीरो डिजिट्स हैं वो सारे सिग्निफिकेंट होते हैं। यानी कि हम क्या बोल सकते हैं, दैट फर्स्ट रूल सेज दैट नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। ठीक है, आर सिग्निफिकेंट। अब हम इसको एक एग्जाम्पल के साथ समझेंगे, तभी तो हमें चीजें क्लियर होंगी। अगर मैं आपको बोलती हूँ कि आपके पास में नंबर है लेट अस से 00234, परफेक्ट। और अगर हम बोल देते हैं कोई भी नंबर लेट अस से 0.00289, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, दैट जो भी नॉन जीरो डिजिट्स हैं यानी कि ये और ये, तो यहाँ पर इसके अंदर अगर मैं आपसे बात करूँ तो मैं बोलूँगी कि यार यहाँ पर तीन सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, क्लियर है। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पर देखें 0.00289, यहाँ पर अगर हम देखें तो सिर्फ तीन ही तो डिजिट्स हैं ना इससे जो नॉन जीरो हैं, यस। तो यहाँ पर भी जो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं वो कितने हैं, थ्री हैं। तो फर्स्ट रूल बहुत सिंपल सा है कि आपके पास में कोई भी नंबर आया उसके अंदर देखो कि जो नॉन जीरो डिजिट्स हैं वो आपके क्या होंगे, सिग्निफिकेंट होंगे, क्लियर है, परफेक्ट। चलो अब फर्स्ट रूल तो हमें समझ आ गया है, सेकंड रूल पे चलते हैं। सेकंड रूल क्या कहता है, चलिए ये देखते हैं। सेकंड रूल बेसिकली जो फर्स्ट रूल है उसी से डिराइव किया गया है। सेकंड रूल ये कहता है कि जो भी जीरोस नॉन जीरो डिजिट्स के, जो भी जीरोस नॉन जीरो डिजिट्स के लेफ्ट में होंगे वो क्या होंगे, वो नॉन सिग्निफिकेंट होंगे। यानी कि सेम ही बात बोली ना, यानी कि अगर मैंने आपको बोला 0028 तो फर्स्ट रूल से ही हमें पता है कि यार यहाँ पे दो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। बस वही ये चीज बोल रहा है कि जो ये दो जीरोस हैं ना टू द लेफ्ट ऑफ द नॉन जीरो डिजिट्स, दैट दे आर नॉन सिग्निफिकेंट। तो इसको हम रूल की तरह लिख भी देते हैं, द जीरोस टू द लेफ्ट ऑफ नॉन जीरो डिजिट्स आर नॉन सिग्निफिकेंट, परफेक्ट। कोई दिक्कत नहीं है, नहीं तो यार बस इतनी सी चीज बोली है, एज सच यहाँ पर कोई भी टिपिकल चीज नहीं बोली है, क्लियर है। तो यानी कि अगर मैं आपको और कोई एग्जांपल दे दूं, अगर मैं बोलूं कि 00284569, तो बताओ यहाँ पर कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। हमें पता है कि यार ये दो जीरोस तो नहीं हो सकते, दे आर टू द लेफ्ट, राइट। एंड ऑल्सो ये क्या हैं, ये नॉन जीरो डिजिट्स हैं तो ये सिग्निफिकेंट होंगे। तो 1 2 3 4 5 6, तो मैम यहाँ पर 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, क्लियर है, यस। तो ये तो हो गए फर्स्ट टू रूल्स। अब हम थर्ड रूल की बात करते हैं। थर्ड रूल को समझना थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। तो चलो देखो कैसे थर्ड रूल को पहले हम समझेंगे और फिर हम रूल को लिखेंगे। तो अब थर्ड रूल क्या कहता है, लेट अस से मैंने आपको नंबर दिया 101 या फिर मैंने आपको नंबर दिया 0221, ठीक है। तो अब अगर आपसे यहाँ पर पूछा जाए कि यार बताओ कि कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, तो हम कैसे बोलेंगे। फर्स्ट और सेकंड रूल हमें पता है, उसके अकॉर्डिंग हम बोलेंगे कि ये क्या है, वन क्या है, नॉन सिग्निफिकेंट है, ये सॉरी नॉन जीरो डिजिट है तो सिग्निफिकेंट होगा, वन भी नॉन जीरो है तो सिग्निफिकेंट होगा। मैम यहाँ पर दो सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, सिमिलरली यहाँ देखें तो मैम तीन सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, नहीं। अब आपका थर्ड रूल जो है वो ये बोलता है कि यहाँ पर फर्स्ट केस में तीन सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं और सेकेंड केस में चार हैं, ये कैसे हुआ। अब आपको यहाँ पर यही चीज़ समझनी है कि थर्ड रूल कहता है कि जब भी दो सिग्निफिकेंट फिगर्स के बीच में, कोई भी दो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं उनके बीच में जीरोज आ जाएं, तो जितने भी जीरोज आए हैं वो सारे के सारे सिग्निफिकेंट हो जाते हैं। यानी कि अगर मैं यहां पर देखूं तो वन नॉन जीरो है,
सिग्निफिकेंट है, ये भी वन नॉन जीरो है तो सिग्निफिकेंट है, तो जो इसके बीच का जीरो है वो भी क्या हो गया, सिग्निफिकेंट हो गया। सिमिलरली ये भी नॉन जीरो है तो सिग्निफिकेंट है, नॉन जीरो है तो सिग्निफिकेंट है, इसलिए ये जीरो भी सिग्निफिकेंट हो गया। यानी कि अगर मैं यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर्स की बात करूँ तो 3 और यहाँ पर 4 हो जाएंगे। सिमिलरली अगर मैम आपको एक क्वेश्चन दे देती है 002, तो यहाँ पर क्या होगा, चलिए 2 क्या है नॉन जीरो सिग्निफिकेंट, 2 क्या है नॉन जीरो सिग्निफिकेंट, तो इसके बीच के दो जो दो जीरोस हैं वो भी क्या हो जाएंगे, सिग्निफिकेंट हो जाएंगे। यानी कि यहाँ पर भी टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स 4 आ जाएंगे, राइट। तो यहाँ से हमें हमारा थर्ड रूल पता चल गया, दैट द जीरोस बिटवीन 2 नॉन जीरो और मैं ज़्यादा बेटर वर्ड है दैट द जीरोज़ बिटवीन 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स, ये ज़्यादा सही वर्ड है क्योंकि अभी आपको और एग्जांपल्स दूंगी तो समझ आएगा। तो द जीरोज़ बिटवीन 2 नॉन जीरो और सिग्निफिकेंट फिगर्स आर सिग्निफिकेंट, ये तो क्लियर हो गया होगा, अब तो कोई डाउट नहीं है, परफेक्ट। आगे बढ़ते हैं, अब हमारे पास में बेसिकली 3 रूल्स हमें क्लियर हो चुके हैं, अब हम चलेंगे फोर्थ रूल पे, राइट। तो फोर्थ रूल क्या कहता है, एज सिंपल हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस रूल को समझेंगे और फिर हम रूल को लिखेंगे। तो फोर्थ रूल क्या कहता है कि जैसे मैंने आपको बोला, एक मैंने आपको दिया 100 और मैंने बोला 100.0, क्लियर है, यस तो अब आपको मुझे यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर्स बताने हैं, तो खुद सोचिए कि यार कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स आएंगे। अकॉर्डिंग टू द रूल्स जो हमने अभी पढ़े हैं, हम क्या कह सकते हैं दैट यहाँ पर एक सिग्निफिकेंट फिगर होगा, राइट, 100 में, क्योंकि अगर हम देखें तो सिर्फ एक नॉन जीरो है और जीरोस जो हैं वो 2 सिग्निफिकेंट के बीच में तो है नहीं, यानी कि सिर्फ एक ही सिग्निफिकेंट फिगर होना चाहिए। यहाँ पर अगर हम देखें तो यहां पर भी हम कहेंगे कि यार एक सिग्निफिकेंट फिगर होना चाहिए। व्हाट इफ मैम आपको बोले कि आपका आंसर जो है वो ये वाला तो बिल्कुल सही है लेकिन ये गलत है, ये कैसे हुआ? तो ये चीज जो है वो आपको फोर्थ रूल एक्सप्लेन करता है। कैसे एक्सप्लेन करता है, चलिए समझिए। फोर्थ रूल ये कहता है कि जब भी आप किसी भी, सबसे पहली बात तो यहां पर यह बोला जाता है दैट वो जीरोस जो आपके राइट में है, वो जीरोस जो राइट में हैं टू द सिग्निफिकेंट फिगर्स आर कंसिडर्ड टू बी नॉन सिग्निफिकेंट, यानी कि ये आपका सिग्निफिकेंट है और ये दोनों राइट में हैं तो ये दोनों कंसिडर किए जाएंगे एज नॉन सिग्निफिकेंट, राइट। उसके हिसाब से 1 आंसर करेक्ट आ गया। उसके साथ साथ कहता है कि लेकिन अगर राइट साइड डेसिमल पॉइंट आ जाए, अगर राइट साइड डेसिमल पॉइंट आ जाए, तो यहां पर डेसिमल पॉइंट आ गया और डेसिमल पॉइंट के एकदम लास्ट में, डेसिमल पॉइंट के बाद में एकदम लास्ट में जो जीरो होता है वो सिग्निफिकेंट होता है, राइट। तो यानी कि अगर मैं देखूं तो ये मेरा डेसिमल पॉइंट है और इस डेसिमल पॉइंट के राइट में मैं देख रही हूं कि एक जीरो है और फोर्थ रूल के हिसाब से ये सिग्निफिकेंट है, तो अगर ये सिग्निफिकेंट है ये भी सिग्निफिकेंट है, राइट। तो अगर ये भी सिग्निफिकेंट है ये भी सिग्निफिकेंट है, तो अब हमें याद करना है अपना थर्ड रूल दैट 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स के बीच के सारे जीरोस भी सिग्निफिकेंट होते हैं, तो यानी कि फिर तो ये दोनों भी सिग्निफिकेंट हो जाएंगे, इसलिए हमारे सिग्निफिकेंट फिगर्स यहाँ आ जाएंगे 4। बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है जिसको आपको ध्यान में रखना है। क्या कहता है फिर से देखो, 100 ये तो ठीक है, जब सिंपली राइट में जीरोस देखो तो फिर वो नॉन सिग्निफिकेंट है, लेकिन अगर डेसिमल पॉइंट आ गया तो डेसिमल पॉइंट के लास्ट में जो जीरो होगा वो सिग्निफिकेंट होगा, राइट। तो अगर ये सिग्निफिकेंट है तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स के बीच के सारे जीरोस भी सिग्निफिकेंट होंगे, क्लियर है, यस। तो चलिए अगर ये समझ आया तो रूल लिख लेते हैं। रूल क्या कहता है दैट जीरोस टू द राइट, जीरोस टू द राइट ऑफ नॉन सिग्निफिकेंट फिगर्स बेटर है, तो जीरोस टू द राइट ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स आर नॉन सिग्निफिकेंट, ये क्लियर है, यस, परफेक्ट, यहां तक क्लियर है। अब आपको डेसिमल पॉइंट वाला पॉइंट लिखना है, तो अब आप लिख सकते हैं, अब आप लिखेंगे दैट जीरोस टू द राइट मोस्ट एंड आफ्टर द डेसिमल पॉइंट, आफ्टर द डेसिमल पॉइंट आर सिग्निफिकेंट,
परफेक्ट। तो अगर ये चीज आपको समझ आई तो अब देखो यार, इतना तो हमें क्लियर हो गया है। अब मैम आपको एक और क्वेश्चन देगी। अगर मैं आपको बोलती हूँ कि अब आपके सामने एक और क्वेश्चन है, लेट अस से 1200.000, राइट। तो अब इसमें अगर आपको टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स बताने हैं तो वो कितने होंगे? चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। अगर हम यहाँ पर देखें तो 1 सिग्निफिकेंट है, 2 सिग्निफिकेंट है, राइट। हमें पता है कि डेसिमल पॉइंट के बाद में जो राइट मोस्ट एंड पे जीरो होता है वो सिग्निफिकेंट होता है। तो अगर इस डेसिमल पॉइंट के बाद में मैं राइट मोस्ट एंड देखूं तो वो मेरा ये वाला होगा राइट मोस्ट एंड, और जो मेरा राइट मोस्ट एंड है उस पे जो जीरो होगा वो मेरा सिग्निफिकेंट होगा, यानी कि ये मेरा सिग्निफिकेंट होगा, राइट। तो अब क्या देखना है, दो सिग्निफिकेंट फिगर्स के बीच के जीरोस भी तो सारे सिग्निफिकेंट होते हैं, यस, यानी कि ये सभी सिग्निफिकेंट हो जाएंगे। तो जो टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे वो कितने होंगे, 1 2 3 4 5 6 7। तो यहां पर हमारे 7 सिग्निफिकेंट फिगर्स आ गए। तो यानी कि हर एक रूल, जैसे जैसे हम आगे मूव हो रहे हैं हर जगह यूज हो रहा है, तो हमें सारे रूल्स को यूज करके अपने नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स फाइंड आउट करने हैं। क्लियर है? फोर्थ रूल तक क्लियर है तो वेरी गुड, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पार्ट अब आपको क्लियर हो चुका है, परफेक्ट। आगे बढ़ते हैं। अब अगर हम फिफ्थ रूल पर चलें तो यार फिफ्थ रूल बहुत सिंपल है। क्या कहता है, अभी हम साइंटिफिक नोटेशंस हमने पढ़ा था, राइट। तो साइंटिफिक नोटेशंस के हिसाब से हमें पता था दैट क्या फॉर्म होती है साइंटिफिक नोटेशन की, n इंटू 10^n, राइट। लेट अस से मैंने आपको एक एग्जाम्पल दे दिया, 2.8 × 10^2, ठीक है। अब बहुत बार आपको इसमें भी तो सिग्निफिकेंट फिगर्स फाइंड आउट करने आ सकते हैं, यानी कि साइंटिफिक नोटेशंस में जब आपको सिग्निफिकेंट फिगर्स फाइंड आउट करने हैं तो फिर आप कैसे करेंगे? तो साइंटिफिक नोटेशन में आपको सबसे पहले तो ये जो 10 की पार होती है ना, उसे इग्नोर कर देना है, परफेक्ट। तो जैसे ही आपने 10 की पार को इग्नोर कर दिया तो अब आपको सिर्फ इसके अंदर टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स देखने हैं। अभी तक जितने भी रूल्स पड़े हैं वो सारे रूल्स यहाँ पर यूज करने हैं, राइट। तो अब अगर हम यहाँ पर सारे रूल्स यूज करें तो क्या है, जीरो तो है ही नहीं, यानी कि सीधा फर्स्ट रूल से हमारे पास आंसर आ जाएगा, दैट इज ऑल द नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। यानी कि अगर हम यहाँ पर देखें तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हमारा आंसर होगा। अब बहुत सारे बच्चों में क्वेश्चन आएगा दिमाग में, मैम व्हाट इफ अगर ये होता, अगर ये होता तो क्या करते, ये तो हमें इग्नोर करना है, राइट। हमें पता है 10 की पार इग्नोर करना है। अब अगर हम 2.80 को देखें तो डेसिमल पॉइंट के राइट मोस्ट पोजीशन पे तो जो जीरो होता है वो सिग्निफिकेंट होता है, फोर्थ रूल, यस। तो उसके अकॉर्डिंग ये सिग्निफिकेंट है, और 1 और 2 और 8 तो सिग्निफिकेंट है ही, यानी कि टोटल यहाँ पर आपके 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स आ गए हैं, राइट। तो इसके लिए आप अब अपने पास में लिख भी सकते हैं दैट इन, मैं डिक्टेट कर देती हूँ, दैट इन साइंटिफिक नोटेशन, इन साइंटिफिक नोटेशन द 10 पार इज इग्नोर्ड, यस, एंड ऑल द रूल्स आर अप्लाइड टू द एन वैल्यू टू फाइंड द टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स। क्लियर है? यस yes. तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, परफेक्ट। फिफ्थ रूल तक हमें क्लियर है। अब अगर हम सिक्स्थ रूल पर आएं तो सिक्स्थ रूल क्या कहता है, चलिए देखते हैं। सिक्स्थ रूल क्या कहता है, लेट अस अज्यूम कि मैंने आपको बोला कि यार 10 बॉल्स लेकर आओ, अगर मैम ने आपको बोला 10 बॉल्स लेकर आओ या फिर 10 बनानास लेकर आओ, ठीक है। तो अब अगर आपको स्पेसिफाई कर दिया कोई भी एक फिजिकल क्वांटिटी कि यार ये फिजिकल क्वांटिटी है और ये इतनी चाहिए, राइट, तो अब क्या आप मेरे को 10.2 बॉल्स लाकर दे सकते हो? नहीं। क्या आप मुझे 10.3 बनानास लाकर दे सकते हो? नहीं। तो यानी कि हमने यहां पर क्या देखा, दैट जो फिजिकल क्वांटिटी है उसको हमने स्पेसिफाई कर दिया, और जब हम फिजिकल क्वांटिटीज को स्पेसिफाई कर देते हैं तो फिर इस ऐसे केस में अगर सिग्निफिकेंट फिगर्स देखें तो वो होते हैं इनफाइनाइट। क्या होते हैं? इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं ऐसे केसेस में जब फिजिकल क्वांटिटीज आपकी इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स, जब आपकी फिजिकल क्वांटिटी जो होती है वो स्पेसिफाई हो जाए, क्लियर है? तो इन केस ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, इन केस ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज अगर हम सिग्निफिकेंट फिगर्स फाइंड आउट करेंगे तो वो हो जाएंगे इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स। क्लियर है?
परफेक्ट। तो अब अगर आपको ये सब क्लियर हो चुका है तो कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेते हैं ताकि हमें सब चीज़ें जो हैं वो बिल्कुल क्लियर हो जाएं। राइट, तो अब आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ठीक है। तो अब हम इन्हें सॉल्व करते हैं। अब अगर हम यहां पर देखें तो फर्स्ट में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 10.10, राइट। तो परफेक्ट, हमें पता है फोर्थ रूल से कि जो भी डेसिमल पॉइंट के बाद वाला जीरो होगा वो सिग्निफिकेंट होगा, यस। तो यानी कि लास्ट है तो ये सिग्निफिकेंट है, वन सिग्निफिकेंट है, ये भी सिग्निफिकेंट है, तो यानी कि ये दोनों भी सिग्निफिकेंट होंगे। तो मैम टोटल जो यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर्स आ रहे हैं वो हमारे 4 आ रहे हैं। नेक्स्ट अगर हम यहां पर बात करें तो यहां पर क्या देखेंगे, डेसिमल पॉइंट के बाद में राइट मोस्ट पोजीशन पे मेरे पास 0 आ गया है, यस, तो वो सिग्निफिकेंट होगा। अगर ये सिग्निफिकेंट है तो इस 0 को भी सिग्निफिकेंट होना होगा, बाकी सब तो सिग्निफिकेंट है ही। ये भी सिग्निफिकेंट होगा क्योंकि 1 और 2 के बीच में ये 0 आ रहा है, सो इट इज सिग्निफिकेंट, राइट। तो यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो 7 सिग्निफिकेंट फिगर्स जो हैं वो हमारे पास में यहां पर आ गए हैं, परफेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन अगर हम देखें तो डेसिमल पॉइंट तो है, राइट। अब हमें ये पता है कि डेसिमल पॉइंट के अगर राइट मोस्ट एंड पे 0 हो तो वो सिग्निफिकेंट होता है, लेकिन राइट मोस्ट एंड पे तो 9 है, राइट, 0 तो नहीं है। यानी कि ये जो 2 हैं, अब ये दोनों जीरोज नॉन सिग्निफिकेंट कंसिडर किए जाएंगे क्योंकि राइट मोस्ट पोजिशन के एंड में जब 0 होता है ना तो वही सब सिग्निफिकेंट होता है, तो इन दोनों जीरोज को हम सिग्निफिकेंट कंसिडर नहीं करेंगे, राइट। तो अब हम यहाँ पर देखें तो सिर्फ 3 ही हैं, तो यानी कि यहाँ पर हमारे जो टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगे वो 3 हो जाएंगे, क्लियर है, परफेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं, फोर्थ अगर हम देखें तो ये सिग्निफिकेंट है, ये सिग्निफिकेंट है, तो ये 0 भी सिग्निफिकेंट होगा और 10 की पार तो हमें ध्यान देना ही नहीं है, यानी कि टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स यहाँ पर भी आ गए हैं 3, क्लियर है, परफेक्ट। तो इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। अगर यहाँ तक क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें तो अगला जो हमारा टॉपिक होगा दैट वुड बी एडिशन / सब्ट्रैक्शन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, राइट। तो अब आपको यहाँ पर क्या समझना है ये देखते हैं। जैसे कि मैंने आपको एक नंबर दिया, लेट अस से 22.3 एंड 223.32, ठीक है, ये नंबर है और आपको इसको ऐड करना है। अगर हम इनको ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, हमें पता है ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 4, क्लियर है। अब आपको यहां पर मुझे बताना है कि टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं आपके आंसर में। तो अगर हम यहां पर देखें तो यार मैं अगर फर्स्ट केस में देखूं तो यहां पर मेरे 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं टोटल, यस। सेकंड केस में देखूं तो यहां पर मेरे 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स आ रहे हैं। अब अगर मैं अपना आंसर में देखूं तो आंसर में भी तो 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, तो आंसर आ जाएगा मैम 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। नहीं, इसके लिए आपको एक चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो ध्यान रखनी है, वो क्या है, दैट जब भी हम दो नंबर्स को ऐड करते हैं और हमें सिग्निफिकेंट फिगर्स फाइंड आउट करने होते हैं तो जो दो नंबर्स आप ऐड कर रहे हैं उसके अंदर सबसे पहले उस नंबर को देखो जिसके डेसिमल पॉइंट के बाद में सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर्स हो। तो अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो डेसिमल पॉइंट के बाद में यहाँ पर 1 सिग्निफिकेंट फिगर है और यहाँ पर 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। आपके आंसर में जिस नंबर में डेसिमल पॉइंट के बाद में कम सिग्निफिकेंट फिगर्स है उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर्स हो सकते हैं इन योर आंसर एज वेल। यानी कि अगर हम यहाँ पर देखें तो 1 है तो यहाँ पर भी डेसिमल पॉइंट के बाद में सिर्फ 1 ही सिग्निफिकेंट फिगर होना चाहिए, राइट। तो यानी कि अब मैं ये नहीं बोलूंगी कि 44.62 मेरा आंसर है, मेरा आंसर जो होगा वो डेसिमल पॉइंट के बाद में सिर्फ 1 सिग्निफिकेंट फिगर होगा। तो यानी कि आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 44.6, राइट। नाउ माय क्वेश्चन टू यू इज कि जब हम सिग्निफिकेंट फिगर्स फाइंड आउट करेंगे तो क्या ये है कि सीधा ही 2 को हटा दें? नहीं। अब जो मैंने ये 44.6 आंसर निकाला है ये मैंने निकाला है बाय राउंडिंग ऑफ,
कैसे निकाला है, बाय राउंडिंग ऑफ, राइट। तो यानी कि हमें राउंड ऑफ करना भी आना चाहिए, तभी हमारे आंसर्स जो हैं वो बिल्कुल क्लियर होंगे। परफेक्ट, तो आगे बढ़ते हैं। अब अगर हम यहाँ पर राउंडिंग ऑफ की बात कर रहे हैं, तो मैम राउंडिंग ऑफ कैसे करते हैं, चलिए देखते हैं। एक मेरे पास में नंबर है 44.6, राइट। अब यहाँ पर आ गया 62, अगर यहाँ पर होता 44.69, क्लियर है, परफेक्ट। एक और नंबर ले लेते हैं 44.65, परफेक्ट। अब अगर हम यहाँ पर देखें तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, देखते हैं। अगर आप 44.62 देखेंगे तो यार मोस्टली तो हमें राउंडिंग ऑफ रूल्स पता है ना क्या होते हैं। अगर आप इसको जब राउंड ऑफ कर रहे हैं तो आपको सिर्फ यहीं तक राउंड ऑफ करना है, तो इसके साथ का नंबर देखो। अगर ये नंबर, इस नंबर की मैं बात कर रही हूँ, इज मोर देन 5, अगर n इज मोर देन 5 तो क्या होता है, प्लस हो जाता है यहाँ पर 1, राइट। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो n इज लेस देन 5 है, क्लियर है। तो चलिए इसको एक बार हम लिख लेते हैं, n इज लेस देन 5, यस। अगर हम इस 2 को देखें तो कम है 5 से, तो फिर वैल्यू जो है राउंड ऑफ होके सेम रहती है, दैट इज 44.6। लेकिन अगर ये वैल्यू जो है वो 5 से ज्यादा है, जैसे अगर हम यहाँ देखें तो 9 है, इफ n इज मोर देन 5 तो फिर क्या होता है, तो फिर यहाँ पर एक प्लस 1 हो जाता है, यानी कि राउंड ऑफ करके वैल्यू आ जाएगी 44.7, तो फिर हमारा आंसर 44.7 होगा, राइट। नेक्स्ट अगर हम देखें 44.65, तो अगर ऐसा आ जाए तो क्या करेंगे, ना तो n लेस देन 5 है ना ही n मोर देन 5 है, n तो इक्वल टू 5 हो गया। अब कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज आई, राइट। तो ऐसे केस में भी आपको एक रूल लिखवाया जाएगा, चलिए रूल देखते हैं। जब आपका n जो है वो इक्वल टू 5 होता है, राइट, जैसे कि हम एग्जांपल भी लेंगे 44.65, एक और एग्जांपल ले लेते हैं 44.75, राइट। जब भी आपका n इज इक्वल टू 5 है तो आपको उसके साथ वाले नंबर को देखना है, अगर वो इवन है तो क्या होगा, सेम ही नंबर रह जाएगा, 44.6 ही रह जाएगा, राइट। लेकिन अगर उसके साथ वाला नंबर ऑड है तो क्या हो जाएगा, उसमें प्लस 1 हो जाएगा, यानी कि 44.8 जो है वो आपका आंसर हो जाएगा, राइट। तो इस तरह से आपको क्या करना है, राउंड ऑफ करना है। तो इस तरह से आप राउंड ऑफ कर सकते हैं और अपने आंसर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, क्योंकि ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें आपकी डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस में इनडायरेक्टली पूछी जाती हैं। तो अगर ये क्लियर नहीं है तो चाहे पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाए फिर भी ये नहीं सॉल्व हो पाएगा, तो आंसर नहीं आएगा तो मार्क्स नहीं आएंगे, राइट। तो ऐसी चीज़ों को इग्नोर नहीं करना है, परफेक्ट। तो अब यहीं तक है, एडिशन हमने डिस्कस कर लिया सिग्निफिकेंट फिगर्स का, रूल्स हमने फाइंड आउट कर लिए सब्ट्रैक्शन के केस में, राउंडिंग ऑफ हमने डिस्कस कर लिया, राइट। मल्टीप्लिकेशन के लिए भी बिल्कुल सेम रूल्स ही यूज किए जाते हैं, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन एज वेल, परफेक्ट। तो यहाँ तक अब हमारा सिग्निफिकेंट फिगर्स जो टॉपिक है वो पूरा क्लियर हो चुका है। चलिए अब हम क्या करेंगे, अब हम डिस्कस करेंगे लॉज। आज हम लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम यहां पर लिख लेते हैं लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के अंदर हम कौन से लॉज पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले तो हमें यही पता होना चाहिए। ये कुछ बहुत बेसिक लॉज हैं जो इनिशियली जब साइंस डेवलप हो रहा था, जब स्टडी हो रही थी सारी, तब ये लॉज आए थे। तो बहुत बेसिक लॉज हैं, लेकिन इनकी नॉलेज होना हमें बहुत ज़रूरी है, राइट, क्योंकि यहीं से तो साइंस स्टार्ट हुई है, परफेक्ट। तो अगर हम फर्स्ट लॉ की बात करें तो फर्स्ट इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये हम हर बार सुनते हैं, राइट। तो फर्स्ट लॉ जो हम पढ़ने वाले हैं दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, परफेक्ट। सेकेंड अगर हम बात करें तो हम स्टडी करेंगे लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शन। कौन सा लॉ पढ़ेंगे हम, लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शन। नेक्स्ट लॉ इज लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, राइट, परफेक्ट। तो उसे भी लिख लेते हैं। थर्ड वुड बी लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन।
फोर्थ अगर हम बात करें तो फोर्थ लॉ इज वेरी इंपॉर्टेंट, जिससे आजकल जनरली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, दैट इज द लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन. तो लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, परफेक्ट. फिफ्थ लॉ जो है वो हम पढ़ने वाले हैं, गे लुसैक्स लॉ, राइट. तो फिफ्थ वुड बी आर गे लुसैक्स लॉ. वन बाय वन हम सभी के बारे में डिटेल्ड डिस्कशन करेंगे. और अगर हम सिक्स लॉ की बात करें तो दैट इज एवोगैड्रो लॉ. तो ये लॉज जो हैं वो हम अपनी इस क्लास में पढ़ने वाले हैं, जिससे हमारे सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे, राइट. तो चलिए अब हम फर्स्ट लॉ की बात करते हैं. तो फर्स्ट लॉ इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. तो ये लॉ क्या कहता है इसके बारे में बात करते हैं. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है यार, ये बात तो हम सभी को पता है. दैट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास स्टेट्स दैट मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, राइट. तो यहां पर हम लिख भी देते हैं, मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, राइट, परफेक्ट. और इसके बारे में हमें क्या पता होना चाहिए. नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इसको एक और नाम से भी जाना जाता है, इनडिस्ट्रक्टिबिलिटी लॉ ऑफ मैटर. स्टेबिलिटी लॉ ऑफ मैटर, राइट. तो ये लॉ क्या कहता है, बेसिकली ये लॉ कहता है कि आप अगर एक केमिकल रिएक्शन की बात कर रहे हैं तो एक फॉर्म दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती है, यस, लेकिन जो मास है, टोटल मास है, वो कंजर्व्ड रहेगा, वो ना तो क्रिएट हो सकता है ना ही डिस्ट्रॉय हो सकता है. यानी कि चाहे फिजिकल चेंजेस हो चाहे केमिकल चेंजेस हो, मास विल नॉट बी डिस्ट्रॉयड, राइट. एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में वो जरूर कन्वर्ट हो सकता है. एग्जाम्पल के साथ समझते हैं. अगर हम यहाँ पर देखें तो लेट अस से कि कार्बन प्लस ऑक्सीजन जो है वो हमें CO2 देती है, राइट. तो अब अगर हम यहाँ पर मासेस की बात करें तो लेट अस से ये हमारे पास में 12 ग्राम्स है. अगर ये हमारे पास में 12 ग्राम्स है और ये हमारे पास में 32 ग्राम्स है, तो जो CO2 होगा वो कितना बनेगा यार, वो 44 ग्राम्स ही बनेगा. चाहे कुछ भी हो जाए, जो लॉ मास है वो डिस्ट्रॉय नहीं होगा, रिएक्शन से पहले और रिएक्शन के बाद में टोटल जो है वो कंजर्व्ड ही रहेगा. ये क्लियर है, परफेक्ट. आगे बढ़ते हैं. तो आगे अगर हम यहाँ पर देखें तो इसका एक ड्रॉबैक भी है, राइट. तो चलिए उस ड्रॉबैक की बात कर लेते हैं. अब लॉ ये बोलता है कि मास क्रिएट डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता, बट अगर हम इक्वेशन देखें, E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, राइट. तो इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग मास जो है वो एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो सकता है, दैट यस, मास कैन बी कन्वर्टेड टू एनर्जी, राइट. तो यानी कि यहाँ पर ये आइंस्टाइन की इक्वेशन थी, यस. तो यानी कि अगर हम यहाँ पर देखें तो यार जो लॉ है वो फेल हो गया ना, मास तो एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो गया, राइट. तो ये एक ड्रॉबैक है इसका, इस लॉ का. तो ये भी हमें पता होना चाहिए. जनरली तो इससे क्वेश्चंस नहीं आते हैं, बट स्टिल वी नीड टू नो कि ये एक इसका ड्रॉबैक है, अगर कभी हमसे कभी पूछा जाए तो. परफेक्ट, यस. तो इसी तरह से अगर आपको कोई भी क्वेश्चन दे दिया जाता है, कोई भी क्वेश्चन हम फ्रेम कर सकते हैं, दैट यू हैव 10 ग्राम्स ऑफ कार्बन एंड इतना ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन, तो टेल की कितना मास आपका CO2 आएगा. इस टाइप के बहुत नॉर्मल बेसिक क्वेश्चंस आपसे इस लॉ से पूछे जा सकते हैं, या फिर इस लॉ को किसी और क्वेश्चन में यूज किया जा सकता है. इसलिए हमें इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, राइट, परफेक्ट. तो फर्स्ट लॉ तो बहुत सिंपल है. सेकंड लॉ की बात करते हैं. सेकंड लॉ क्या है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन. सेकंड लॉ क्या है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, राइट. तो ये लॉ क्या कहता है इसे समझते हैं.
लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शन बेसिकली आपको क्या समझाना चाहता है, यहाँ पर हम इसके स्टेटमेंट के बारे में बाद में बात करेंगे, पहले आपको चीज़ें एक्सप्लेन करनी है और फिर हम स्टेटमेंट लिखेंगे। तो अगर हम लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शन की बात करें तो इमेजिन कीजिए कि मुझे पानी पीना है, राइट, आई वॉन्ट टू हैव वाटर H2O। तो यार अब जल्दी से सोचो कि जब भी मैं वाटर की बात करती हूँ तो हो सकता है कि वो वाटर मैं टैप वाटर पीऊँ, हो सकता है कि हम टैप वाटर ले लें, हो सकता है कि वो हम वाटर लेक से ले लें, राइट, हो सकता है कि हम एक्वागार्ड से ले लें, राइट, और कैसे पी सकते हैं, हो सकता है कि हम बिस्लेरी से पी लें। तो इस तरीके से हम क्या देख रहे हैं, दैट सिर्फ वाटर की ही तो बात कर रहे हैं ना, हर बार जब हम वाटर की बात कर रहे हैं फिर भी हम अलग अलग ओरिजिन्स से उसकी उसको यूज़ कर रहे हैं, लेकिन क्या पानी चेंज हो रहा है, क्या पानी का जो ये प्रोपोर्शन है ये चेंज हो रहा है, नहीं। यानी कि ये लॉ सिर्फ यही चीज़ बोलता है दैट कोई भी कंपाउंड है इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स ओरिजिन, उसका ओरिजिन क्या है उससे मैटर नहीं करता, जो रेशियो होगा उसके कंपोनेंट्स के मासेस का वो हमेशा इक्वल ही रहेगा। यानी कि अगर मैं टैप वाटर लूंगी तो भी मैं H2O लूंगी, और अगर हम H2O की बात करें तो यहाँ पर अगर 2 ग्राम हाइड्रोजन है और 16 ग्राम ऑक्सीजन है तो हर केस में यही रहेगा, हमेशा यही मास रेशियो रहेगा इनका, राइट। अगर हम इनके रेशियो देखें तो ये 1:8 ही रहेगा हर केस में, चाहे कोई भी ओरिजिन से आप वाटर को लीजिए। तो बस यही चीज आपको लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शन कहता है, दैट अ कंपाउंड, लिख भी सकते हैं आप, दैट अ कंपाउंड इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स ओरिजिन, अ कंपाउंड इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स ओरिजिन हैज द सेम रेशियो ऑफ द कंपोनेंट्स, हैज द सेम रेशियो ऑफ द कंपोनेंट्स बाय वेट, बाय वेट। क्लियर है? यस। तो यानी कि जैसे हमने वाटर का एग्जांपल लिया वैसे ही हम CO2 का बात कर सकते हैं, चाहे हम इसे लैब में ले बनाए, चाहे हम इसे एनवायरनमेंट से ले, एनवायरनमेंट लिख देती हूँ, राइट। तो यानी कि हम इसे कहीं से भी ले, CO2 जो है वहाँ पर जो कार्बन से ऑक्सीजन के मासेस का रेशियो है वो हमेशा फिक्स्ड रहेगा, वो डिपेंड नहीं करता कि आप कहाँ से ले रहे हैं, कंपाउंड तो सेम है ना। यस, तो अभी तो हमें ये बहुत बेसिक चीज लग रही है, बट जब ये लॉ आया था तो इट वॉज अ वेरी बिग थिंग, राइट। इसलिए ये लॉज जो हैं वो बहुत बेसिक हैं, बट हमें इनको क्लियर करना जरूरी है। परफेक्ट, तो लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शन तो समझ आ गया। अब यार तब तो साइंटिस्ट ने हमें लॉज दे दिए थे, लेकिन कुछ ड्रॉबैक्स भी तो हुए होंगे, राइट। तो यस, यहाँ पर भी इसका भी ड्रॉबैक है, तो चलिए अब हम उस ड्रॉबैक की बात कर लेते हैं। तो अब आपका यहाँ पर ड्रॉबैक की अगर हम बात करें तो क्या है, सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट तो ये है कि ये जो है आइसोटोप्स के केस में फेल हो जाता है, आइसोटोप्स, ओके, यहाँ लिख देते हैं, इन केस ऑफ आइसोटोप्स, इन केस ऑफ आइसोटोप्स इट फेल्स। कैसे, चलिए देखते हैं। अगर मैंने आपको H2O बोला, ठीक है, उस टाइम पर आइसोटोप्स हमें नहीं पता थे, राइट। तो अगर मैं आपको H2O बोलती हूँ या फिर मैं D2O बोलती हूँ, D2O भी तो वाटर होता है ना, लेकिन क्या दोनों के केस में यहाँ पर रेशियो 1:8 है, यहाँ पर अगर हम देखें तो क्या है 2:4:16, दैट इज 1:4। तो यहाँ पर 1:8 है लेकिन यहाँ पर तो 1:4 है ना, यानी कि हम क्या कह सकते हैं दैट यस रेशियो जो है वो चेंज हो गया है। तो यहां से हमें ये चीज क्लियर हुई है कि आइसोटोप्स के केस में ये लॉ है वो फेल हो जाता है। परफेक्ट, आगे बढ़ते हैं। सेकंड अगर मैं आपके सामने बात करूं तो सेकंड इसका ड्रॉबैक क्या है कि यार मुझे ये पता चल गया कि H2O या फिर कोई भी कंपाउंड है उनके मासेस का रेशियो सेम है। तो अब हम ये भी समझेंगे कि यार अगर दो डिफरेंट कंपाउंड्स मेरे को दिए हुए हैं, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर एक कंपाउंड दे दिया और यहाँ पर भी एक कंपाउंड दे दिया, कोई भी एक कंपाउंड दे दिए और दोनों के मासेस का रेशियो मैंने आपको रेशियो बता दिया सिर्फ, तो आप उस रेशियो को देखोगे कि यार सेम है। और मुझे पता है कि लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शन के हिसाब से जब रेशियो सेम होता है तो यानी कि कंपाउंड सेम है, ओरिजिन उनका डिफरेंट हो सकता है, राइट। लेकिन जो ये लॉ है उसका रिवर्स पॉसिबल, ट्रू नहीं है, राइट। रिवर्स ऑफ दिस लॉ इज नॉट ट्रू, चलो इसे समझेंगे। रिवर्स ऑफ दिस लॉ इज नॉट ट्रू, अब हम ये समझते हैं कि ये कैसे, राइट। लेट अस से मैंने आपको फॉर्मेल्डिहाइड दिया CH2O और एक मैंने आपको
C6H12O6 ग्लूकोज दिया, राइट। अभी आपको फॉर्मूलाज नहीं आते, बट जब आप धीरे धीरे सारी केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो आपको आने लग जाएंगे। अभी मैं आपको बता रही हूँ कि ये फॉर्मेल्डिहाइड होता है और ये ग्लूकोज होता है, राइट। अगर हम यहाँ पर मासेस का रेशियो देखें तो यहाँ पर 1 कार्बन है, 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है, राइट। यानी कि अगर हम रेशियो देखें तो 1:2:1 आ रहा है। वहीं पर अगर हम यहाँ पर देखें तो 6 कार्बन है रेशियो 2:12 हाइड्रोजन है रेशियो 6 ऑक्सीजन है, क्लियर है। अगर हम यहाँ पर रेशियो देखें तो ये भी 1:2:1 आ रहा है। तो यानी कि अगर आपको सिंपली ये ना बताया होता कि ये 2 अलग अलग कंपाउंड है और आपको सिर्फ ये रेशियो दे दिया जाता तो आप इस रेशियो को देख के तो यही बोलते ना कि यार ये सेम कंपाउंड है, लेकिन अगर हम देखें तो ये सेम कंपाउंड नहीं है, राइट। यानी कि जो हमने अभी लॉ पढ़ा है, इस लॉ का जो रिवर्स होता है वो हर केस में ट्रू हो ये जरूरी नहीं है, राइट। तो इसके 2 ड्रॉबैक्स हैं। फर्स्ट इज द आइसोटोप्स, आइसोटोप्स के केस में ये फेल हो जाता है, एंड सेकेंड इज कि इस लॉ का रिवर्स जो है वो ट्रू नहीं है, क्लियर है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। जनरली जो क्वेश्चंस आते हैं वो ड्रॉबैक से आते हैं, तो हमें ये चीज़ें क्लियर होना चाहिए, परफेक्ट। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट अगर हम लॉ की बात करें तो हम बात कर रहे हैं लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। अब लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या कहता है मैम, चलिए इसके बारे में बात करते हैं। देखो यार, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन बेसिकली आपको ये बताता है कि जब भी दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड्स फॉर्म कर रहे हो। बेसिकली मेरा कहने का क्या मतलब है, लेट अस से मैंने आपके सामने कार्बन और ऑक्सीजन लिया, राइट। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन लेते हैं, उससे आपको और ज़्यादा चीज़ें क्लियर होंगी। लेट अस से मैंने नाइट्रोजन और ऑक्सीजन आपके सामने दो एलिमेंट्स लिए, ये दोनों मिलकर एक कंपाउंड बना रहे हैं, और अब मैं बोलती हूं कि ये सिर्फ दो नहीं, दो से बहुत ज्यादा कंपाउंड्स बनाते हैं। तो यानी कि लेट अस से ये NO भी बनाता है, हमें पता है N2O भी बनाता है, NO2 भी बनाता है, N2O3 भी बनाता है और N2O5 भी बनाता है, राइट। तो यहां पर हम क्या देख रहे हैं, दैट जब भी दो एलिमेंट्स दो या दो से ज्यादा कंपाउंड्स बनाते हैं तो हर एक के केस में अगर आप किसी एक का मास फिक्स कर दो तो जो दूसरा एलिमेंट होगा ना उसके मासेस का रेशियो हमेशा कोई स्मॉल होल नंबर आएगा। इसको हम समझेंगे, आप इस स्टेटमेंट को लिख सकते हैं, when two elements combine to form more than two compounds, then fixing the mass of one element, in all the compounds, the ratio of the mass of the other element in all the compounds is in a small whole number ratio. क्लियर है, ये लिख लिया। अब हम इसको समझते हैं। जैसे हमने यहाँ पर लिखा, मैंने यहाँ पर लिखा NO2, मैंने यहाँ लिखा N2O और हम यहाँ पर लिख देते हैं N2O3, क्लियर है। तो यहाँ पर लेट अस से मास ऑफ नाइट्रोजन, यहाँ पर आ जाएगा मास ऑफ ऑक्सीजन और यहाँ आ जाएगा रेशियो। अब इसे समझेंगे कैसे। नाइट्रोजन का मास इस केस में कितना है, हम बोलेंगे 14। अगर इस केस में देखें तो यहाँ पर भी 14, यहाँ देखें तो 14:2 और यहाँ पर भी देखें तो 14:2, कोई दिक्कत नहीं है, परफेक्ट। ऑक्सीजन देख लेते हैं, यहाँ पर है 16, यहाँ पर क्या है 16:2, यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो फिर से 16 है, यस। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो 3:16, राइट। तो ये लॉ क्या कहता है कि यार ये दो एलिमेंट्स थे जो मिलकर दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड्स बना रहे हैं, अब आप इनमें से किसी एक का मास हर एक कंपाउंड में फिक्स कर दो। तो मैं ऐसे करती हूँ दैट मैं मास फिक्स कर देती हूँ फॉर नाइट्रोजन, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम नाइट्रोजन के लिए मास फिक्स कर देते हैं, क्या करते हैं, इसको भी इंटू टू कर देते हैं तो सबके मासेस फिक्स हो जाएंगे। अगर इसको इंटू टू किया है तो इसको भी इंटू टू करना पड़ेगा, ये क्लियर हो रहा है, यस। तो बेसिकली मैंने अब हर केस में मास जो है नाइट्रोजन का फिक्स कर दिया। तो जब एक एलिमेंट का आप मास फिक्स कर देते हैं तो जो दूसरा एलिमेंट है
उसके मासेस का जो रेशियो होता है वो क्या होता है, सिंपल होल नंबर रेशियो आना चाहिए। तो चलिए देखते हैं कि क्या ऑक्सीजन के मासेस का रेशियो कोई होल नंबर आ रहा है या नहीं। अगर मैं हर केस में देखूँ तो 16, 16, 16, 16, क्या मैं कैंसिल कर सकती हूँ, बिल्कुल। तो रेशियो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 2, यहाँ पर देखेंगे तो 4, यहाँ पर देखेंगे तो 1 और यहाँ पर देखेंगे तो 3। दैट यस, जो रेशियो है वो सिंपल होल नंबर रेशियो आ रहा है, यस। तो बस यही बोलता है आपको ये लॉ। क्या बोला यार, दो एलिमेंट्स हैं, दो से ज्यादा कंपाउंड्स बना रहे थे, एक का मास फिक्स कर दो, बाकी के जो मासेस का रेशियो होगा वो स्मॉल होल नंबर रेशियो होगा। चलिए, अगर यहां तक क्लियर है तो अब हम एक क्वेश्चन के थ्रू इसको और अच्छे से समझेंगे। अब अगर हम यहाँ पर क्वेश्चन की बात करें तो एक क्वेश्चन क्या कहता है, लेट अस से आपके पास में एक है SNO और एक है SNO2, ठीक है। इसके अंदर मैंने बोला कि जो SN है उसका मास 100 ग्राम्स है और यहाँ पर भी SN का मास 100 ग्राम्स ही है, क्लियर है। तो अब उसने बोला कि ऑक्सीजन का यहाँ पर अगर हम मास की बात करें तो ऑक्सीजन का मास है 13 ग्राम्स और अगर हम यहाँ पर बात करें तो 13 ग्राम्स है तो ये 26 ग्राम्स है, क्लियर है। तो इसने पूछा कि अगर इस तरीके से आपके पास में कंपाउंड्स आए हैं तो क्या ये लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को फॉलो करते हैं या नहीं। तो बहुत ही इजी है, एक का मास फिक्स करना है, SNO, यानी कि SN और ऑक्सीजन मिलकर दो डिफरेंट कंपाउंड्स बना रहे हैं, किसी एक का मास फिक्स कर दो। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर हमने इस SN का मास फिक्स कर दिया है, तो जो ऑक्सीजन का मास का रेशियो होना चाहिए वो सिंपल होल नंबर रेशियो आना चाहिए। अगर हम यहाँ पर देखें तो 13 × 2 = 26 होता है, तो 1:2 जो है वो आ रहा है। दैट यस, ये लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को फॉलो करता है, क्लियर है, यस। तो बस इसी तरह की नॉर्मल चीज़ें हैं जो आपको क्लियर होनी चाहिए, परफेक्ट। आगे बढ़ते हैं, ये हमारा लॉ हो गया लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। नेक्स्ट जो लॉ हम पढ़ने वाले हैं वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लॉ है, जिसे कहा जाता है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, राइट। इसको बहुत ज्यादा ध्यान से समझना है। चलिए, अब अगर हम लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन की बात करें तो ये क्या कहता है, ये लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन से थोड़ा हायर वर्जन है और इससे जनरली आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसके अंदर क्या बोला जाता है कि लेट अस से हमारे पास में तीन एलिमेंट्स हैं, तो जब तीन एलिमेंट्स कंबाइन होंगे तो डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड्स बनेंगे। चलिए, हमने ले लिया कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो कार्बन और हाइड्रोजन ने मिलकर लेट अस से CH4 बनाया, राइट। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ने मिलकर लेट अस से H2O बनाया, और अगर हम यहां पर देखें तो कार्बन और ऑक्सीजन ने मिलकर लेट अस से CO2 बनाया, राइट। तो ये मुझे पता लग गया कि ये बना रहे हैं, ये और परफेक्ट। अब हमें यहाँ पर लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन को समझना है, तो कैसे समझेंगे। अगर हम यहाँ पर देखें तो मास ऑफ कार्बन रेशियो मास ऑफ हाइड्रोजन अगर हम यहाँ पर देख रहे हैं तो ये कितना है, 12, ये आ रहा है 4। सिमिलरली अगर मैं इस केस में देखूँ तो मास ऑफ हाइड्रोजन रेशियो मास ऑफ ऑक्सीजन कितना आ रहा है, 2:16। और अगर आप इस केस में देखेंगे तो मास ऑफ कार्बन रेशियो मास ऑफ ऑक्सीजन जो है वो कितना आ रहा है, 12:32, राइट। तो लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन क्या कहता है, दैट जब तीन एलिमेंट्स मिलकर इस तरह से कंपाउंड्स फॉर्म करते हैं तो आप क्या कीजिए, दैट इस किसी भी एक केस के अंदर, लेट अस से हमने ये कार्बन वाला केस है, ये भी कार्बन वाला केस है, ऐसे केस में आप किसी एक का मास फिक्स कर दो। तो मैं क्या करती हूँ, कार्बन का मास फिक्स कर देती हूँ, राइट। तो जैसे यहाँ पर भी कार्बन है, यहाँ पर भी कार्बन है, तो हमने क्या किया, कार्बन के मास को फिक्स कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर 12 है और यहाँ पर भी 12 है, कार्बन का मास फिक्स हो गया। तो जो दो रह गए उनके मासेस का रेशियो फाइंड आउट कर लीजिए। तो अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो मास ऑफ हाइड्रोजन रेशियो मास ऑफ ऑक्सीजन इस केस में कितना हो जाएगा, 4:32, तो 4:32 हो जाएगा, राइट, परफेक्ट। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये आ जाएगा 1:8। अब आपको क्या देखना है, दैट ये जो दो का आपने मासेस का रेशियो फाइंड आउट किया है, इन्हीं दोनों से मिलकर ये वाला कंपाउंड फॉर्म हो रहा होगा, इसका जो मास का रेशियो होगा वो बिल्कुल इसके सेम होगा। ये भी हम देख सकते हैं, यहां पर अगर हम देखें तो मास ऑफ हाइड्रोजन रेशियो मास ऑफ ऑक्सीजन क्या है, 2:16 है, विच इज 1:8।
तो हम क्या देख रहे हैं दैट यस ये दोनों का जो मास रेशियो है वो बिल्कुल सेम है। तो यहाँ से हमें क्या समझ आया कि लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन आपको क्या कहता है, जब तीन एलिमेंट्स मिलकर कंपाउंड्स फॉर्म करते हैं तो उनमें से अगर हम किसी एक का मास फिक्स कर देते हैं तो उनके साथ में जो दो डिफरेंट कंपाउंड्स हैं उनमें जो दूसरे बाकी के दो एलिमेंट्स हैं उनके मासेस का रेशियो आप देख लीजिए, वो जो रेशियो होगा वो बिल्कुल सेम होगा टू द कंपाउंड जो एक्चुअल में वो फॉर्म कर रहे हैं उनके मासेस के। ये क्लियर है? यस। तो इस तरीके से आप लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन को समझ सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी लेटेस्ट इसी से ही क्वेश्चंस आपसे बार बार पूछे जा रहे हैं। परफेक्ट। तो चलिए अब अगर आपको लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन समझ आ गया है तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगर हम यहां पर बात करें तो नेक्स्ट इज गे लुसैक्स लॉ। क्या है गे लुसैक्स लॉ? गे लुसैक्स लॉ क्या कहता है? सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट बात दैट गे लुसैक्स लॉ जो होता है वो एप्लीकेबल होता है ओनली ऑन गैसेस। व्हाट इट इज एप्लीकेबल ऑन गैसेस, राइट? तो अगर इसके अलावा कुछ भी आता है तो आप गे लुसैक्स लॉ अप्लाई ही नहीं कर सकते। क्लियर है? यस yes. चलिए अब इसे समझते हैं। गे लुसैक्स लॉ बेसिकली क्या कहता है दैट एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, यानी कि जब कंडीशंस सेम होती हैं, जब कंडीशंस सेम होती हैं जैसे टेम्परेचर और प्रेशर जब सेम होगा तो जो गैसेस हैं लेट अस से हमने बोला दैट H2 प्लस Cl2 जो है वो आपको HCl दे रहा है और यहाँ पर सभी गैसेस हैं, राइट? तो गे लुसैक्स लॉ क्या कहता है दैट एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, अगर इसे बैलेंस कर लेते हैं 2HCl हो गया, राइट? एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर वॉल्यूम्स जो गैसेस की रिएक्ट करती हैं वो सिंपल होल नंबर रेशियोज होते हैं अकॉर्डिंग टू देयर मोल्स, राइट? तो यानी कि अगर मैं यहाँ पर बोलूँ कि यहाँ पर 1 मोल H2 रिएक्ट कर रही है, 1 मोल Cl2 रिएक्ट कर रही है तो 2 मोल HCl फॉर्म हो रहा है, तो गे लुसैक्स लॉ यही बोलता है दैट आप यहाँ पर देखेंगे दैट यस यहाँ पर 1 वॉल्यूम ऑफ H2 विल रिएक्ट विद 1 वॉल्यूम ऑफ Cl2 टू गिव 2 वॉल्यूम्स ऑफ HCl, यानी कि जब कंडीशंस सेम हैं तो जो उनके मोल्स का रेशियो होगा वही उनके वॉल्यूम्स का रेशियो होगा। क्लियर है? तो सिंपल सी ये चीज़ है जिसको आपको यहाँ पर समझना है, इसके बारे में डिटेल में हम आगे की क्लासेस में स्टडी करेंगे, राइट? परफेक्ट। तो अब अगर यहाँ पर आपको कोई भी क्वेश्चन दे दिया जाता है दैट कौन से पे लेट मी गिव यू अ क्वेश्चन दैट On which of the following गे लुसैक्स लॉ इज एप्लीकेबल, राइट? तो चलिए क्वेश्चन लिख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉलो गे लुसैक्स लॉ। फर्स्ट इज CaCO3 gives CaO प्लस CO2, यहाँ पर है ये गैस, ये है सॉलिड, ये है सॉलिड। सेकेंड इज N2 प्लस H2 गिव्स यू NH3। क्लियर है? ये है गैस, ये है गैस, ये है गैस। थर्ड इज NH3 प्लस Cl2 गिव्स यू NH4Cl। राइट? परफेक्ट। तो अगर आपको इस तरह से ऑप्शंस दिए हैं तो अब आपको ये बताना है कि कौन से केस में गे लुसैक्स लॉ फॉलो होता है। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो फर्स्ट ऑप्शन हमें दिख रहा है यहाँ सॉलिड है, यहाँ सॉलिड है, तो ये तो हो ही नहीं सकता, राइट? सेकेंड अगर हम देखें तो N2 प्लस H2 गिव्स यू NH3, गैस है, गैस है, गैस है, देन यस ये जो है वो आपके गे लुसैक्स लॉ को फॉलो करेगा। थर्ड देखते हैं NH3 प्लस Cl2 गिव्स यू NH4Cl, गैसेस हैं, दैट यस दिस आल्सो फॉलोज द गे लुसैक्स लॉ, राइट? तो इस तरह से आपको बस ये देखना है कि कौन सा
सारे गैसेस हैं, और जब सेम टेम्परेचर और प्रेशर पे गैसेस रिएक्ट करती हैं तो फिर वो गैस गे लुसैक्स लॉ को फॉलो करती हैं। क्लियर है? तो चलिए अब नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे दैट इज योर एवोगैड्रोस लॉ। तो चलिए लिख लेते हैं एवोगैड्रोस लॉ। एवोगैड्रोस लॉ आपको क्या बोलता है दैट अगर आपका टेम्परेचर प्रेशर और वॉल्यूम सभी कांस्टेंट है, यानी कि एट सेम टेम्परेचर प्रेशर एंड वॉल्यूम, अगर टेम्परेचर प्रेशर और वॉल्यूम सेम है तो जब गैसेस रिएक्ट करती हैं तो उनके मॉलिक्यूल्स का रेशियो जो होता है वो उनके मोल्स के रेशियो के इक्वल होता है। तो चलिए समझते हैं कैसे। लेट अस से हमारे पास में है H2 प्लस Cl2 और वो हमें दे रहा है 2HCl, राइट? तो अब आपको यहाँ पर क्या समझना है दैट यहाँ पर हम इनके मोल्स का रेशियो अगर देखें तो मोल्स का रेशियो होगा 1:1:2, राइट? तो जो इनके मोल्स का रेशियो है, क्योंकि टेम्परेचर प्रेशर और वॉल्यूम सेम है तो जो इनके मॉलिक्यूल्स का रेशियो होगा, अगर ये इनके मोल्स का रेशियो है तो जो इनके मॉलिक्यूल्स का रेशियो होगा वो भी क्या होगा, 1:1:2। ये बहुत ही बेसिक चीज़ है जिसको हम डिटेल में अभी नेक्स्ट एक या दो क्लासेस में हम पढ़ने वाले हैं, क्योंकि हम मोल चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, राइट? और ये सब चीज़ें मोल से ही रिलेटेड हैं, तो इसको डिटेल में हम बस अभी नेक्स्ट एक या दो क्लासेस में पढ़ने वाले हैं, तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अभी के लिए आपको सिर्फ इतना समझना है कि एवोगैड्रोस लॉ क्या कहता है कि अगर एट सेम टेम्परेचर प्रेशर एंड वॉल्यूम द मॉलिक्यूल्स रेशियो ऑफ द गैसेज रिएक्टिंग विल बी सेम एज द मोल्स रेशियो ऑफ द गैसेस, राइट? तो यानी कि ये सब गैसेस हैं, इसे हम यहाँ पर गैसेस लिख देते हैं, अगर आपके टेम्परेचर प्रेशर और वॉल्यूम के सब चीज़ें सेम हैं तो जो भी आपके मोल्स का रेशियो होगा सेम वही रेशियो आपके इन गैसेस के मॉलिक्यूल्स का भी होगा। डिटेल में हम इसको नेक्स्ट एक या दो क्लास में पढ़ लेंगे और फिर आपको सारी चीज़ें एकदम क्लियर हो जाएंगी। परफेक्ट। तो ये था आज की क्लास में, हमने पढ़े सिग्निफिकेंट फिगर्स, हमने पढ़े सारे लॉज, ये अभी जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स है ना केमिस्ट्री के वो सब हम पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट क्लास से हम मोल पढ़ने वाले हैं, तो आपको ये चीज़ें क्लियर होनी चाहिए तभी हम आगे मूव कर सकते हैं। सो ऑल द वेरी बेस्ट।